हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत प्यारी सी जानकारी। और दोस्तों, आज हम लगाएंगे अपना कैक्टस की कटिंग। बहुत ही प्यारा कैक्टस है दोस्तों। इस कैक्टस के बारे में वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है, लेकिन आज पहली बार इसकी कटिंग लगाते हुए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कैक्टस आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा ही सुपर हार्डी कैक्टस है। अभी जब मई जून की बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ी थी, लगभग हमारे सारे ही प्लांट ख़राब होने लगे थे, तब दोस्तों ये जो कैक्टस हैं ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा था। और अभी जो इसका आप कलर देख पा रहे हैं रेडिश कलर, वो दोस्तों जब आप इस कैक्टस को धूप में रखते हैं तब इसका कलर चेंज होने लगता है। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरे दिन भर की सन में रहता है कैक्टस, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये दोस्तों जब ये कलर अपना चेंज करता है। वैसे तो इसका कलर जो होता है वो वैसे तो ये ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन जब हम इसे धूप में रखते हैं तब इसमें पिंक और हल्का सा रेड कलर आने लगता है। और दोस्तों, इसका ग्रोइंग पीरियड क्या होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे सारी कटिंग्स ले ली हैं और इनमें बहुत ही बारीक से कांटे भी होते हैं इनके। हालांकि लगते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ये कांटे ज़्यादा तेज़ भी होते हैं तो लग भी जाते हैं। ये देखिए, ऊपर टॉप पर ही इसके बेबीज़ निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैंने इनको बहुत ही आराम से प्लांट से रिमूव किया है, इनको निकाला है। दोस्तों, हर एक कैक्टस को निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब देखिए, मैं आपको ये वाला कैक्टस निकाल के दिखाऊंगी। इसको सिर्फ पकड़ के हल्का सा यूँ घुमाना है जिससे कि ये कैक्टस निकल जाए। और ये एक के ऊपर न्यू कैक्टस आते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे चले जाते हैं तो थोड़ा लैगी टाइप होने लग जाता है। तो मैं इनको इस तरीके से निकाल के और अपने दूसरे पॉट में इनको लगाऊंगी। दोस्तों, अभी जब मैं इसको निकाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे हाथ में हल्के हल्के से कांटे इनके लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तो पूरा ही निकल के आ गया, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले इनकी कटिंग लगाई थी और इसमें देखिए अभी रूट्स भी नहीं बनी है। लेकिन कोई नहीं, मैं एक निकाल करके और अपना जो कैक्टस है वो वहीं पर लगा दूँगी। दोस्तों, ये जो कैक्टस है अभी आप देख पा रहे हैं, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना एकदम से। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी सोइल भी रेडी कर लिया है। कोई भी कैक्टस अगर आप लगाना चाहते हैं तो उनको लगाने के लिए एक बेस्ट सोइल बनाने की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, ये जो कैक्टस देख पा रहे हैं, इनको देख कर ही आप पता लगा पा रहे होंगे कि इनके अंदर कितना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड है और पानी भरा हुआ है, इसीलिए इन कैक्टस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, ये सोइल है। नीचे मैंने जो घर का हमारा किचन वेस्ट होता है वो डाल दिया था। सोइल में मैंने लिया है 50% अपनी गार्डन सोइल, 20% सैंड, एक मुट्ठी काउडन और एक चम्मच हल्दी डाल करके मैंने अपनी जो सोइल है वो रेडी करी है। देखिए दोस्तों, ये जो आप कैक्टस देख पा रहे हैं, ये कैक्टस मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है देखने में, उतना ही ज़्यादा इसकी कम केयर हमें करनी पड़ती है। दोस्तों, एक ही कैक्टस मैं लेकर के आई थी, किसी के घर के बाहर लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ से इसकी ऊपर से ही टिप ले लिया था। और आज मेरे घर में ही इसके बहुत सारे प्लांट बन चुके हैं। मैं हमेशा टिप निकाल करके इधर से उधर लगाती रहती हूँ और ज़्यादा देखिए मैंने दबाया भी नहीं, हल्का सा सोइल से टच किया है। दोस्तों, ये तो कैक्टस इतना सुपर हार्डी है। एक बार मैं क्या कर रही थी कि ऊपर से इनको ना घुमा करके निकाल रही थी कैक्टस को कहीं और लगाने के लिए, तो उनमें का एक कैक्टस किसी अदर पॉट में गिर गया और जैसे वो गिराना उन्हें वहीं पर ही रूट्स बनानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जब आप सोइल में लगाएंगे तभी अच्छे से लगेंगे, जैसे अगर सोइल में भी आपने यूं ही डाल दिया ना तो ये वहीं से ही अपनी रूट्स बना लेते हैं। इतना ज़्यादा प्यारा प्लांट है ये। और दोस्तों, कोई भी कैक्टस होता है, बस आप एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप गार्डन में कैक्टस रखते हैं लेकिन बहुत केयर करने के बाद भी वो नहीं बच पाते हैं आपके पास, तो उसका एक ही ध्यान रखिए कि उनको आपको पानी कम देना है। लेकिन गलती से अगर आपकी सोइल ऐसी बन गई कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आप एक काम कीजिए, एक बार से रिपोर्ट करके उनकी सोइल अच्छे से बनाइए। आप कंकरी जो होती हैं, कंकरी, बजरी, सैंड, अगर किसी भी कैक्टस में ये चीज़ें ज़्यादा रखेंगे ना, तो आपका जो कैक्टस है वो कभी ख़राब नहीं होगा।
देखिए दोस्तों, कैक्टस लगाने का सिंपली तरीका, आप ऐसा नहीं है मैं कुछ खास इसमें एलोवेरा लगा रही हूँ या कोई फंजीसाइड या हल्दी, नहीं, सिंपली तोड़े और सिंपली आप लोगों के सामने ही मैंने इनको यूं ही लगा रही हूँ। और सॉइल दोस्तों मैंने पहले ही हल्की सा मॉइस्चर कर दिया था, वैसे भी कैक्टस है, अगर मैं ज़्यादा इनको सॉइल को भिगो देती या पानी डाल देती, खिचखिची हो जाती पानी मतलब सॉइल के अंदर, तो कैक्टस ना क्या होते हैं गलना शुरू कर देते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने हल्की हल्की नमी ही बनाई है जिससे कि कैक्टस को भी हल्का हल्का मॉइस्चर मिलता रहे और मेरे जो कैक्टस की कटिंग है वो भी ख़राब ना हो। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो कैक्टस है वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ करें तो आप कोई भी फर्टिलाइज़ अपने प्लांट को दे सकते हैं। अब जैसे विंटर आ रही है तो विंटर दो तो बेस्ट होता है हमारे कैक्टस के लिए, ये इनका ग्रोइंग पीरियड समय होता है, इस समय आप जितनी कैक्टस की कटिंग लगाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब अक्टूबर से लेके और फरवरी तक ये खूब ग्रोथ करेंगे जब तक ठंडा मौसम रहेगा। कोई भी कैक्टस हो, ऐसा नहीं यही कैक्टस, कैक्टस में इतनी सारी वैरायटी आती हैं बहुत सारी, जो भी कोई कैक्टस आपके पास है आप किसी की भी इस समय कटिंग लगा सकते हैं और उनको फर्टिलाइज़ करें। अभी जैसे मैं कटिंग लगा रही हूँ तो इनको तो मैं फर्टिलाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने हल्का सा काउडन डाल दिया है, लेकिन ऑलरेडी जो कैक्टस आपके पास पॉट में दो दो तीन तीन चार चार ईयर्स हो गया उनको पड़े पड़े, उनको आप फर्टिलाइज़ करें हल्की हल्की सॉइल निकाल के, उनको आप या तो लिक्विड में डाल सकते हैं या फिर सूखी जो फर्टिलाइज़र होता है चाहे काउडन हो वर्मी कंपोस्ट हो वो आप अपने कैक्टस को दे दें, जिससे कि दोस्तों अब आपका जो कैक्टस है वो फास्ट ग्रोथ करेगा। अगर बात करें दोस्तों कि हमें इनके लिए किस तरीके के पॉट लेने देखिए पॉट लेने चाहिए, तो देखिए दोस्तों छोटा सा आप मेरा वो कप देख पा रहे होंगे, अधिकतर हम सबके घर में जो कप्स वगैरह होते हैं टूटते भी रहते हैं, तो नीचे होल करके आप उनमें कैक्टस लगा सकते हैं। आपको पता है कोई भी अगर आप कैक्टस छोटे से पॉट में लगाते हैं तो कम से कम 3-4 साल तक उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो उसी में बहुत आराम से चलते रहेंगे, 4-4, 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं दोस्तों कैक्टस, ज़्यादा उनकी रूट्स नहीं जाती डीप और वो बहुत आराम से ग्रोथ करते रहते हैं। जब उनके बेबीज़ आते हैं तो आप ऊपर से इनके बेबीज़ निकाल सकते हैं। दोस्तों जब भी अगर आपका कोई कैक्टस है और आप रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो उसका भी अगर आपको पता होगा कि कब रिपोर्ट करना चाहिए तो वो सही समय क्या होता है मैं अभी आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। देखिए दोस्तों कोई भी कैक्टस हो अगर उसके ऊपर बेबीज़ आ रहे हैं प्लांट के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि आपका जो प्लांट है वो चाहता है कि आप उसे रिपोर्ट करें या फिर आप उसके जो बेबीज़ हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि आपका प्लांट और अच्छे से बेबीज़ बना सके। मैच्योर जब हमारा प्लांट हो जाता है कोई भी या हमारा कैक्टस हो सैकुलेंट्स है तभी उनमें बेबीज आते हैं। अब ये जो मेरा प्लांट देख पा रहे हैं दोस्तों ये तो अभी कटिंग मैंने आपके सामने लगा के दिखाई है, लेकिन इनका जो मदर प्लांट है वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा प्लांट, एक प्लांट के ऊपर एक, एक कैक्टस के ऊपर एक, ऐसे करते करते काफ़ी लंबा हो गया था, तब मैंने इनको निकाल निकाल के थोड़ा डिवाइड किया है। और जिस टाइम दोस्तों इनकी ग्रोथ होती है ना पूरे ही ये धीरे धीरे पॉट को कवर कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता दोस्तों इनके नीचे से साइड से जो बेबीज़ आते हैं इस तरीके से निकलते होंगे जैसे और प्लांट के साथ से निकल कर आते हैं। मैंने जब भी देखा इनको देखे टिप पे ही इनके बेबीज़ आ रहे हैं, आप देखें जब भी इनको बेबीज़ निकलते हैं वो टिप से ही निकलते हैं, तो आप जब भी आपका प्लांट टिप से बेबीज़ निकालें तभी आप समझ सकते हैं कि आपका जो आप प्लांट है वो सॉइल अच्छी बनाई है आपने, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अभी देखिए दो पे बेबीज़ आ रहे हैं और ऊपर से अभी जो वाइट वाइट देख पा रहे हैं यहाँ से ही मैंने इनके प्लांट्स लिए हैं। तो कैक्टस के बारे में दोस्तों मेरी तो यही राय है कि एक ऐसा कैक्टस होता है, कोई भी कैक्टस जो होते हैं वो इतना सुपर हार्डी, अभी देखिए दोस्तों ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मदर प्लांट है और इसके मैंने बहुत सारे बेबीज़ निकाल लिए हैं, अभी आप लोगों के सामने निकालते लगाते वक्त भी दिखाया था। दोस्तों कैक्टस जो होते हैं ये सुपर हार्डी होते हैं, चाहे हमारा वो कोई भी कैक्टस हो, सिर्फ आपका एक ही काम है एक बार ला करके बस उन्हें लगा दीजिए, वो फिर कभी भी आपके गार्डन को छोड़ कर के नहीं जाएगा। बहुत अच्छा समय चल रहा है, आपके पास कहीं भी कैक्टस दिखता है या आपके पास जितने भी कैक्टस हैं खूब कटिंग लगाइए, इन्जॉय कीजिए अपने प्लांट को, अपने गार्डन में 1 से 2 बनाते रहिए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।